पूर्व सांसद और टीएमसी नेता अशोक तंवर ने केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर अशोक तंवर ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी ज्वाइन की है। इस दौरान हरियाणा आपके प्रभारी सुशील गुप्ता भी वहां पर मौजूद रहे और आपको बता दें कि अशोक तंवर को पार्टी हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद हरियाणा में भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अशोक तंवर सिरसा से पूर्व सांसद और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कुछ महीने पहले टीएमसी में शामिल हुए अशोक तंवर ने गोवा विधानसभा चुनाव में टीएमसी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो हरियाणा में अशोक तंवर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें, अब जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण गोयल। वरुण, अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थामा, अब वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का हरियाणा में एक कुनबा बढ़ता जा रहा है और अशोक तंवर के आने से एक आम आदमी पार्टी को वो स्ट्रांग स्थिति में पहुंचा सकते हैं, कुछ इस तरह के बातों को लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2024 में होने वाले हैं, उसके लिए लगातार हर पार्टी जो है वो कमर कस चुकी है, उनके तरफ से बैठकों का दौर भी चल रहा है। देखिए, अशोक तंवर क्योंकि 2009 में सिरसा के वो सांसद रहे, इसके अलावा लंबे समय तक वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो देश में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो एक जाना पहचाना नाम रहे। एक समय राहुल गांधी के वो करीबी भी थे। 2014 का लोकसभा चुनाव वो मोदी लहर में हार गए थे। 2019 का चुनाव भी वो हारे थे, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें टिकटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने बड़ी नाराजगी जाहिर की थी, सोनिया गांधी के आवास के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद वो कभी इनेलो प्रत्याशियों के पक्ष में अपील करते थे, कभी दूसरी स्थिति बताते थे। 4 महीने पहले राजधानी दिल्ली में ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की थी और उन्हें हरियाणा में तृणमूल कांग्रेस को लेकर जिम्मेदारी दिए जाने की बातें थी। तब अशोक तंवर का ये कहना था कि जो ममता बनर्जी हैं वो देश का भविष्य हैं। अभी जब अशोक तंवर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निकलकर बाहर निकले, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक थे, और थोड़ी देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, वहां पर उन्होंने कहा वो मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि जिन ममता बनर्जी को भविष्य बता रहे थे तो वो अब क्यों चले गए हैं आम आदमी पार्टी में, तो उन्होंने कहा कि सभी सवालों के जवाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे जो 4:30 बजे होनी है। उन्होंने क्या कुछ कहा अभी हम वो भी दर्शकों को सुनवाएंगे। इसके अलावा सुशील गुप्ता जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि लगातार कुनबा बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। हालांकि सच्चाई इसमें एक ये है कि जो बड़ा चेहरा या फिर एक जो बड़ा नाम रहा है हरियाणा की राजनीति में अशोक तंवर, वो पहली हरियाणा में ज्वाइनिंग एक बड़े चेहरे के तौर पर हुई है, क्योंकि एससी समुदाय से आते हैं और वो जाना माना चेहरा रहे हैं, सांसद रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, तो उस लिहाज से उनकी एक पकड़ मानी जाती है और बड़ी संख्या में समर्थक भी यहां पर दिखाई दिए थे। तो सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की है, उनके सभी समर्थक उनके साथ थे। अब यहां से वो रॉज एवेन्यू गए हैं जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद होंगे, जिनके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें वो तमाम सवालों के जवाब देंगे और औपचारिक रूप से वहां पर वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जी वरुण, ये मान करके चले कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को अपनी एक मजबूत स्थिति को दिखाना है हरियाणा में, और लगातार आपने अभी कहा भी है कि एक बड़े चेहरे के तौर पर सिर्फ अशोक तंवर जो है भी जुड़े हैं, बाकी आपके कार्यकर्ताओं के तौर पर अलग अलग पार्टियों से भले ही जुड़े हों लोग, लेकिन बड़ा चेहरा अशोक तंवर रहे हैं, क्या इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है प्रदेश अध्यक्ष पद की? ये सवाल हमने सुशील गुप्ता से पूछा था, उन्होंने कहा था कि सबको मिलकर काम करना है, जो जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी निभाएगा। अशोक तंवर से सवाल पूछा गया तो फिलहाल वो टाल गए हैं। अब देखना यह है कि पार्टी सीधा कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है या चुनाव में एक भूमिका हो सकती है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पिछले 9-10 दिनों से ये बातचीत चल रही थी और अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर थे, उनके वापस आने का इंतजार किया जा रहा था, 2 दिन के गुजरात दौरे के बाद वो वापस लौटे हैं, तो अब वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तुरंत कोई जिम्मेदारी मिलेगी ऐसा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ पार्टी में इनकी एक भूमिका होगी वो साफ तौर पर संकेत मिले हैं। और जिस तरीके से सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, लंबी मुलाकात चली है, कम से कम 1-1.5 घंटे की मुलाकात रही है, उसके बाद डिप्टी सीएम जो है वो पार्टी ज्वाइन कराने जा रहे हैं, इसका मतलब यह कि पार्टी के 2 सबसे बड़े चेहरे जो हैं
वो खुद फ्रंट पर अशोक तंवर को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पार्टी उतना महत्व अशोक तंवर को देने जा रही है हरियाणा में, और हो सकता है भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी भी मिले। जी, इसी के साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर देखें बीजेपी, उनकी तरफ से भी लगातार बैठकें चल रही हैं, अगर हम इधर देखें कांग्रेस की तरफ से तो वो भी अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही हैं, उस तरह से अगर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में आते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के लिए होगी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस अशोक तंवर को फिलहाल चुनौती इसलिए नहीं मानती है कि वो लगातार दो चुनाव हार गए, 2014 का और 2019 का, और उनके नेतृत्व में पार्टी विधानसभा का चुनाव भी हारी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, कोई भी सांसद लोकसभा का हरियाणा में नहीं है, सभी पूर्व सांसद हैं, उसी कड़ी में अशोक तंवर भी हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, सबसे लंबा समय उन्होंने दिया बतौर प्रदेश अध्यक्ष, और क्योंकि एससी समुदाय से आते हैं तो वहां उनकी एक पकड़ मानी जाती है, उस लिहाज से वो बड़ा चेहरा है, और राजनीति परसेप्शन की होती है आजकल, तो लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, ये परसेप्शन एक बनना शुरू हो गया है, उस कड़ी में अशोक तंवर का नाम जो है फायदा पहुंचा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अशोक तंवर जो कि पहले कांग्रेस में थे, प्रदेश अध्यक्ष पद को भी उन्होंने संभाला है कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा में वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ राजनीतिक उठापटक रही है, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, टीएमसी में शामिल हुए, गोवा के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और वो तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। और वहीं हमारे संवाददाता ने भी अशोक तंवर से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको कुछ देर में सुनवाएंगे, लेकिन 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आधिकारिक तौर पर वहां पर पुष्टि कर दी जाएगी कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि उन्हें कितना बड़ा जो पद है वो दिया जाता है, क्या उनका अहम रोल आम आदमी पार्टी में रहेगा हरियाणा को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस को भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी जरूर करेगी आगामी चुनाव में।